हेलो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर फोर बिजनेस सर्विसेज हमने पूरा पढ़ लिया है जिसमें हमने बिजनेस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट सर्विसेज जो होती है उसके बारे में देखा था जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन वेयरहाउसिंग वो सब हमने पढ़ ली है आज है हमारा लास्ट लेक्चर यहाँ पे जिसमें हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स उसके पहले हम समरी देख लेते हैं कि हमने चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी चलिए देखते हैं सबसे फर्स्ट बिजनेस सर्विसेज उसमें हमने देखा था कि कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पे पढ़नी है बिज़नेस के लिए तो बहुत सारी छोटी मोटी सर्विस भी रहती है बड़ी भी रहती है सबके उसे रिक्वायरमेंट रहती है लेकिन हम यहाँ पे हमने पढ़ा बैंकिंग इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन इतना हमने पढ़ा एंड बैंकिंग में जब हम देखे तो हमने टाइप्स ऑफ बैंक देखा था उसमें हमने सबसे पहले हमने बैंक का मीनिंग वगैरह पढ़ लिया था फंक्शंस पड़े थे अब यहाँ पे टाइप्स में देखते हैं तो so, फर्स्ट था सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक एक्सचेंज बैंक रीजनल रूरल बैंक सेविंग बैंक एंड इन्वेस्टमेंट बैंक ये सारी बैंक हमने पढ़ी थी टाइप्स में एंड आगे फंक्शंस हमने पढ़े थे फंक्शन में हमने देखा था उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है एक प्राइमरी फंक्शन है दूसरा सेकेंडरी प्राइमरी में था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसिस ये मेन काम हो जाता है बैंक का बेसिक फंक्शन हो जाता है एंड उसके सिवाय जो भी फंक्शंस होते हैं वो आते हैं सेकेंडरी फंक्शंस में तो सेकेंडरी फंक्शन भी हमने डिटेल में पढ़ लिया था जिसमें आया था यूटिलिटी फंक्शन एंड एजेंसी फंक्शन दो पार्ट में डिवाइड किया गया था उसके बाद हमने देखी थी इंश्योरेंस सर्विस इंश्योरेंस में हमने उसका मीनिंग पढ़ लिया था एंड उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस देखे थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, है एग्ज़ाम के लिए सबसे पहला था प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ जहाँ पे दोनों पार्टीज़ को एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए दूसरा था प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब जिस भी चीज़ का इंश्योरेंस हम ले रहे हैं उस सब्जेक्ट मैटर के अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए पॉलिसी होल्डर का उसके बाद हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी उसका मतलब था कि इंश्योर है वो इंश्योर को गारंटी देता है कि वो उसे पहले वाले स्टेटस पे ला देगा उसके बाद देखा था प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन इसका मतलब कि प्रॉपर्टी इंश्योरेंस क्लेम कॉम्पेंसेशन हो जाता है उसके बाद प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है इंश्योरेंस कंपनी को फिफ्थ था प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ये आता है जब इंश्योरेंस पॉलिसी एक से ज़्यादा इंश्योर के पास से ली जाती है नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस इसका मतलब होता है इंश्योर्ड जो है पॉलिसी होल्डर जो है वो हमेशा ही ट्राई करता रहेगा कि एट द टाइम ऑफ लॉस जब भी लॉस हो रहा है वो ट्राई करे लॉस मिनिमम हो उसके बाद था प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सीमा यहाँ पे था कि एक से ज़्यादा रीज़न से अगर लॉस हुआ है तो एकदम नियरेस्ट कॉज़ है उसे फाइंड आउट करना है एंड वो कॉज़ अगर इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होता है तो ही इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी नहीं तो नहीं देगी उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़े थे तीन टाइप्स थे लाइफ इंश्योरेंस मरीन इंश्योरेंस एंड थर्ड वन फायर इंश्योरेंस इसके अंदर भी हमने देखे थे बहुत सारे टाइप्स उसके नाउ नेक्स्ट उसके बाद वाली सर्विस पढ़ी थी हमने ट्रांसपोर्ट इन सब में ये सबसे बहुत ईजी था ट्रांसपोर्ट अब वहाँ पे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने पढ़े रोड ट्रांसपोर्ट रेल ट्रांसपोर्ट वाटर एयर मोनो रेल एंड मेट्रो रोप वेज एंड पाइपलाइन ये चीज़ें हमने पढ़ी थी वहाँ पे वेयर हाउसिंग वेयर हाउसिंग में मीनिंग हमने देखा था वेयर हाउसिंग किस तरीके से बिजनेस को हेल्प करता है उसमें हमने उसके फंक्शंस पहले तो देखे थे स्टोरेज प्राइस स्टेबलाइजेशन रिस्क बेरिंग फाइनेंसिंग ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग भी होता है वेयर हाउसिंग के अंदर ट्रांसपोर्टेशन टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी प्रोवाइड करता है वेयर हाउसिंग एंड उसके बाद लास्ट वन प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग जिन प्रोडक्ट में प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होता है फर्दर प्रोसेसिंग वो भी वेयरहाउस में किया जाता है तो फंक्शंस पढ़ लिए थे उसके बाद आ, हमने देखा था टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस उसमें फर्स्ट था प्राइवेट जो प्राइवेट लोग खुद के बिजनेस के लिए ओन करते हैं पब्लिक जो रहेगा पब्लिक के लिए नॉर्मल पब्लिक के लिए बॉन्डेड वेयरहाउस था जब भी इंपोर्ट uh, किया जाता है गुड्स को उसके बाद बॉन्डेड वेयरहाउस में स्टोर किया जाता है जब तक वो ड्यूटी उसके ऊपर पे नहीं की होती तब तक उसके बाद था ड्यूटी पेड वेयरहाउस गवर्नमेंट वेयरहाउस कोऑपरेटिव कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस ये सारे वेयरहाउस हमने पढ़े थे अंडर टाइप्स ऑफ वेयरहाउस में उसके बाद लास्ट सर्विस हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन का उसका मीनिंग देखा था एंड उसके बाद कम्युनिकेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है पोस्टल सर्विस एंड मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अब पोस्टल सर्विस में चार पार्ट है मेल सर्विस स्पेशलाइज मेल सर्विस मनी रेमिटेंस एंड रिटेल सर्विस उसके अंदर भी काफ़ी सारे टाइप्स हमने देखे थे अब उसके बाद आता है मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आज के ज़माने में क्या क्या तरीके हैं कम्युनिकेशन करने के तो कुरियर सर्विस देखा था हमने इंटरनेट देखा था एंड लास्ट ईमेल हमने पढ़ा था ये सारी ही चीज़ें लेक्चर में हमने डिटेल में कर ली है चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर वन ए सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड री द सेंटेंस एक एक मार्क के लिए आएगा यहाँ पे डोर टू डोर सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय डैश ट्रांसपोर्ट तीन ऑप्शन है रेलवे रोड या एयर तो जब भी डोर टू डोर सर्विस की बात आती है तो वहाँ पे आने वाला है रोड ट्रांसपोर्ट रोड ट्रांसपोर्ट डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करेगा नेक्स्ट इज डैश क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी यहाँ पे ऑप्शन है वेयर हाउस ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन टाइम यूटिलिटी प्रोवाइड करता है वेयर हाउस फ्यूचर के लिए हम गुड्स बना के वहाँ पे स्टोर करते हैं फ्यूचर में गुड्स अवेलेबल हो जाता है दैट इज़ टाइम यूटिलिटी नेक्स्ट है डैश वेयर हाउस प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर पेरिशेबल कमोडिटीज़ यहाँ पे ऑप्शन है बॉन्डेड वेयरहाउस कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस या गवर्नमेंट वेयरहाउस तो जब भी पेरिशेबल कमोडिटीज़ की बात आएगी तो वहाँ पे आने वाला है कोल्ड स्टोरेज हाउस चलिए ये हो गया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डैश पॉलिसी कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क ऑफ वेसल वाइल इट इज एट द पोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम सारे टाइप के रिस्क रिस्क कवर होते हैं वेसल के लिए वो कहाँ पे आने वाला है पोर्ट रिस्क में वॉयज में या फ्लोटिंग में तो वो आएगा पोर्ट रिस्क पॉलिसी में नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ डैश इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस अब लाइफ इंश्योरेंस के लिए जो हमने इंश्योरेंस के प्रिंसिपल पढ़े थे सारे ही एप्लीकेबल नहीं होते हमने देखा था तो इसमें से कौन सा हो नहीं होगा इंश्योरेबल इंटरेस्ट अटमोस्ट गुड फेथ या इंडेमनिटी तो यहाँ पे आएगा इंडेमिटी क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में हम किसी को गारंटी नहीं दे सकते कि हम आपको वापस से पहले की पोजिशन में ला देंगे क्योंकि लाइफ को हम कभी वैल्यू नहीं कर सकते चलिए ये हो गया नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दो पैर वहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं एयर ट्रांसपोर्ट वेयर हाउसिंग मनी रेमिटेंस पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट बस सर्विस बिजनेस सर्विस अब सामने ऑप्शंस दिए हैं बहुत सारे एयर ट्रांसपोर्ट में आने वाला है फास्टेस्ट मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट नंबर थ्री वेयर हाउसिंग में आएगा वेयर हाउसिंग हमें प्रोवाइड करता है टाइम यूटिलिटी तो so, वहाँ पे हो जाएगा टाइम यूटिलिटी नेक्स्ट इज मनी रेमिटेंस सर्विस मनी रेमिटेंस सर्विस होती है इस अथॉरिटी ने रिलेट करती है उससे वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर तो यहाँ पे आएगा नंबर फाइव नेक्स्ट इज पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट से हम क्या करते हैं लिक्विड कमोडिटी ट्रांसपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे आने वाला है नंबर सेवन पेट्रोलियम एंड गैस लास्ट इज बिजनेस सर्विसेस अब सर्विसेस की जब हम बात करेंगे तो सर्विसेस कैसी होती है इनटेंजिबल इन नेचर तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर टू सर्विसेस आर इंटेंजिबल इन नेचर तो यहाँ पे हो गया हमारा मैच द पैर खत्म चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सी गिव वन वर्ड और फ्रेज और टर्म फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस यहाँ पे सबसे फर्स्ट है दिस वेयर हाउस आर ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटीज ये सबसे इजी है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है ओन कर रही है तो ये कौन सा वेयर हाउस हो जाएगा ये हो जाएगा गवर्नमेंट वेयर वेयरहाउसेज नेक्स्ट इज एन आर्ट ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज फैक्ट्स इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा फ्रॉम वन पर्सन और एंटिटी टू एन जब एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होता है तो उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन तो यहाँ पे आएगा कम्युनिकेशन नेक्स्ट इज अ रेल सिस्टम इन विच द ट्रैक कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल रेल और अ बीम तो जब हमने मोनो रेल एंड मेट्रो पढ़ा था तो वहां पे हमने देखा था सिंगल रेल और अ बीम रहता है अंडर मोनोरेल तो यहां पे आएगा मोनोरेल नेक्स्ट अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज टू कैरी पेट्रोलियम एंड गैसेस पेट्रोलियम एंड गैसेस ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू पाइपलाइन तो यहाँ पे आएगा so, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट चलिए नेक्स्ट अ मिनिस्ट्री हु लुक्स आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द कंट्री यहाँ पे सरफेस ट्रांसपोर्ट मतलब वो लोग रोड ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन सी अथॉरिटी आएगी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज तो ये हो गया हमारा गिव वन वर्ड और फ्रेज नाउ नेक्स्ट इज स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स उसमें सबसे फर्स्ट है बिजनेस सर्विसेज आर इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस यस इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए ग्रोथ uh, के लिए बिजनेस सर्विसेज तो यहां पे हो जाएगा ट्रू नेक्स्ट इज करंट अकाउंट इज ओपन बाय सैलरीड पर्सन तो ये फॉल्स है करंट अकाउंट इज ओपन बाय बिजनेसमैन तो यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स नेक्स्ट इज एन ई एफ टी स्ट फॉर नेशनल इलेक्ट्रिक फंड फंड ट्रांसफर तो ये भी गलत है यहाँ पे आता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नेक्स्ट इज एयर ट्रांसपोर्ट इज चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तो ये तो नहीं पढ़ा हो तो भी हम लिख सकते हैं एयर ट्रांसपोर्ट कभी भी चीपेस्ट नहीं होता है वो कॉस्टली होता है तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स ओके नेक्स्ट द इंटरनेट इज द ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूज़ द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट टू लिंक डिवाइस वर्ल्ड वाइड ये इंटरनेट का मीनिंग दिया गया है और ये ट्रू है ठीक है तो ये हो जाएगा ट्रू तो ये ट्रू एंड ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पे ख़त्म हो गया है अब आगे बढ़ते हैं फाइंड ऑड वन ट वन इसके अंदर सबसे फर्स्ट है प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक एक्सचेंज बैंक अब ये टाइप्स ऑफ हमने जो कोऑपरेटिव बैंक पढ़ा था उसके अंदर उसके भी जो टाइप्स बताए थे उसके बारे में है तो ये बराबर है प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट कोऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट ये बराबर है यहाँ पे एक्सचेंज बैंक जो है वो निकल जाएगा ये कोऑपरेटिव के अंदर नहीं आता है नाउ नेक्स्ट इज नाबार्ड आर बी आई एंड एग्जिम अब यहाँ पे ये जो नाबार्ड है सिडबी है और एग्जिम है ये हो जाएगा स्पेशलाइज बैंक जिनका स्पेसिफिक कुछ पर्पज़ है यहाँ पे आर बी आई निकल जाएगा आर बी आई हमारी सेंट्रल बैंक हो जाती है नाउ नेक्स्ट इज डायरेक्ट मेल लॉजिस्टिक पोस्ट बिजनेस पोस्ट एंड पार्सल तो यहाँ पे आने वाला है निकल जाएगा पार्सल डायरेक्ट मेल लॉजिस्टिक पोस्ट एंड बिजनेस पोस्ट एक साथ में रहेगा ऑड वन आउट यहाँ पे पार्सल हो जाएगा चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एंडोमेंट पॉलिसी होल लाइफ पॉलिसी मनी बैक पॉलिसी एंड ब्लैंकेट पॉलिसी अब ये चीज़ें हमें लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताइए जो हमने टाइप्स पढ़े थे लाइफ इंश्योरेंस के तो वहाँ पे एंडोमेंट आता है होल लाइफ मनी बैक भी बराबर है यहाँ से ब्लैंकेट पॉलिसी निकल जाएगा ब्लैंकेट पॉलिसी हमने दूसरे मनी मरीन इंश्योरेंस में पढ़ा था लाइफ इंश्योरेंस के टाइप्स में ये नहीं आता है चलिए यहाँ पे ये हो गया हमारा द दर्ड वन आगे बढ़ते हैं कंप्लीट द सेंटेंस द उसमें सबसे फर्स्ट है द टर्म बैंक कम फ्रॉम द कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड फ्रेंच वर्ड कहाँ से आया है टर्म बैंक तो यहाँ पे आएगा बैंको नेक्स्ट डैश वेयर हाउसेज प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर पेरिशेबल कमोडिटीज पेरिशेबल कमोडिटी की बात आई मतलब कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस याद आ जाना चाहिए यहाँ पे होगा कोल्ड स्टोरेज नेक्स्ट इन डैश पॉलिसी सेवरल शिप्स बिलोंगिंग टू वन ओनर आर इंश्योर्ड अंडर द सेम पॉलिसी ठीक है एक से ज्यादा शिप जिसका ओनर एक ही है उसका इंश्योरेंस लिया गया है तो ये हो जाएगा इन फ्लीट पॉलिसी फ्लीट का मतलब हमने पढ़ा था एक से ज्यादा शिप जहां पे होते हैं ग्रुप उसे हम फ्लीट बोलते हैं चलिए नेक्स्ट डैश बैंकिंग रिफर्स टू यूज़ ऑफ बैंकिंग सर्विस विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन मोबाइल फोन यूज करके हम बैंकिंग फैसिलिटी यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं मोबाइल बैंकिंग ये भी हमारा हो गया कंप्लीट द सेंटेंस नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए हैं आर टी जी एस सिडबी एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री ऑफ कंट्री एंड लास्ट है रिकरिंग डिपॉजिट एंड लॉन्ग टर्म लोन्स चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं सबसे फर्स्ट है फंड ट्रांसफर ऑन रियल टाइम एंड क्रॉस बेसिस तो उसे हम बोलते हैं आर टी जी एस रियल टाइम ग्रॉस बेसिस नेक्स्ट इज लोन टू मीट लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट अब उसे हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म लोन्स नेक्स्ट इज अकाउंट ऑपरेटेड बाय सैलरीड एंड बिजनेसमैन बोर्ड दोनों ही लोग अकाउंट कौन सा अकाउंट ओपन कर सकते हैं इसमें से तो वो हो जाएगा रिकरिंग डिपॉजिट नेक्स्ट इज सेंट्रल बैंक सेंट्रल बैंक क्या हो जाएगी हमारी कंट्री की मेन अथॉरिटी आर जिसे हम कहते हैं सेंट्रल बैंक वो क्या है अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर एमएसएमई एमएसएमई हमने देखा था कि इसके लिए कौन सी बैंक चालू है कौन सी बैंक काम करती है तो वो हो जाएगा सिड जिसे हम बोलते हैं स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो एम के डेवलपमेंट के लिए काम करती है चलिए यहाँ पे ये यह हो गया हमारा सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द टेबल आगे बढ़ते हैं आंसर इन वन सेंटेंस एक एक मार्क के लिए हमें लिखना है तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है एक एक सेंटेंस में ही हम लिख देंगे व्हाट इज डेबिट कार्ड उसके बाद है सब्जेक्ट मैटर ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी डेबिट कार्ड क्या होता है अकाउंट होल्डर के अकाउंट से ही पैसे कटते हैं ठीक है एंड जब भी भी अकाउंट ओपन होता है तो डेबिट कार्ड मिल जाता है पर्सन को उसके बाद सब्जेक्ट मैटर हमने पढ़ा था क्या होता है जिसके अंदर इंश्योर्ड को इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है जिस चीज़ के लिए इंश्योरेंस लिया जाता है दैट इज़ सब्जेक्ट मैटर वॉट इज़ गवर्नमेंट वेयर हाउस ऐसे वेयर हाउस जिसे ओन कंट्रोल एंड मैनेज किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक अथॉरिटी वॉट इज़ एयर ट्रांसपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट का भी मीनिंग हमने देखा था वॉट इज कम्युनिकेशन वो भी हमने पढ़ लिया था लेक्चर में जहाँ पे उसका मीनिंग हमने देखा था एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पर्सन और बिटवीन एंटिटीज वो हो जाता है कम्युनिकेशन नाउ नेक्स्ट इज करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अब यहाँ पे होगा ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर तो ये सेविंग के लिए अवेलेबल नहीं होता है ये किसके लिए अवेलेबल होता है करंट अकाउंट के लिए अगर किसी पर्सन का करंट अकाउंट है तो ही उसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है नेक्स्ट इज सर्विसेज आर टेंजिबल इन नेचर तो ये हो जाएगा इन टेंजिबल सर्विस इसको हम देख भी नहीं सकते एंड टच uh, भी नहीं कर सकते नाउ नेक्स्ट इज इंश्योरेंस हेल्प्स टू मैक्सिमाइज़ द रिस्क इन बिजनेस तो ये रॉन्ग है इंश्योरेंस रिस्क को हमेशा मिनिमाइज करता है नेक्स्ट द फॉरेन बैंक इज द एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री इन द कंट्री तो ये गलत है फॉरेन बैंक एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूटूशन नहीं है सेंट्रल बैंक है तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा सेंट्रल बैंक ना आर टी जी एस स्टैंड फॉर रीजनेबल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट तो रीजनेबल नहीं होता है यहाँ पे रियल होता है क्योंकि ट्रांजैक्शन जैसे ही आते हैं वैसे ही उसे प्रोसेस किया जाता है इसीलिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हो जाएगा ये चलिए ना नेक्स्ट आगे बढ़ते अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है हमें उसमें सबसे फर्स्ट है क्लेम एक्सीडेंट टेकिंग द पॉलिसी एंड कॉम्पेंसेशन तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आएगा टेकिंग द पॉलिसी सबसे पहले हम पॉलिसी लेते हैं उसके बाद एक्सीडेंट उसके बाद एक्सीडेंट आता है एंड थर्ड हम उसके बाद क्लेम करते हैं इंश्योरेंस कंपनी के बाद इंश्योरेंस कंपनी के पास एंड उसके बाद वो कंपनी हमें कॉम्पेंसेशन देती है तो यहाँ पे कॉम्पेंशेशन फोर नंबर पे आ जाएगा सबसे पहले टेकिंग द पॉलिसी उसके बाद एक्सीडेंट उसके बाद क्लेम एंड उसके बाद कॉम्पेंशेसन चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे होगा ईमेल, इनलैंड लेटर एंड कुरियर तो सबसे पहले आया था इन ट्रेडिशनल डेज इनलैंड लेटर लेटर यूज़ होता था उसके बाद कुरीयर सर्विस आई एंड उसके बाद ईमेल आया मॉडर्न मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में तो ये हमारा हो गया अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर ऑर्डर अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स अब यहाँ पे ये चीज़ें आएगी दो दो मार्क के लिए तो बहुत लेंदी आंसर नहीं लिखना है लेकिन दो दो मार्क के लिए इसे अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो ये ट्रांसपोर्ट इसमें है सबसे फर्स्ट उसके बाद है कम्युनिकेशन बैंकिंग इंश्योरेंस वेयर हाउसिंग ये चीज़ें पूछी गई है जिसे हमने लेक्चर में डिटेल में पढ़ा है स्टूडेंट्स तो आप वहाँ पर रिफ़र कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं स्टडी द फॉलोइंग केस और सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन Now, Ms. Harshali has started a new business two years ago. Her customers are located in different parts of the country and hence they are directly depositing bill amount in her business account. At the same time, she should use to pay various payments from this account only. देखिए क्या है मिस हर्शाली है उनका दो साल पहले बिजनेस स्टार्ट हुआ था अब कस्टमर्स क्या करते हैं उनके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे डिपॉजिट कर देते हैं एंड वो वही अकाउंट यूज़ करके क्या करती है बहुत सारे पेमेंट्स करती है अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है आइडेंटिफाई टाइप ऑफ अकाउंट मेंटेन बाय मिस हर्शाली कौन सा अकाउंट इन्होंने मेंटेन किया होगा बिजनेस चल रहा है तो कौन सा अकाउंट होगा करंट अकाउंट होगा नाउ नेक्स्ट सजेस्ट एनी मॉडर्न वे ऑफ मनी ट्रांसफर टू मिस हर्षाली अब मनी ट्रांसफर करना है मिस हर्षाली को तो कौन से मॉडर्न तरीके से वो ट्रांसफर कर सकते पहले की बात नहीं की है चेक देना है सबको वैसे नहीं अब मॉडर्न क्या कर सकती है मॉडर्न मोड में तो वो कर सकती है एन ई एफ टी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र उसके बाद आता है स्टेट एनी वन फैसिलिटी शीघ कैच ऑन हर बैंक अकाउंट अब करंट अकाउंट होगा तो उसे कौन सी फैसिलिटी मिलेगी उसके ऊपर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है तो यहाँ पे आएगा ओवरड्राफ्ट चलिए आगे बढ़ते हैं केस स्टडी की तरफ मिस्टर जगन इज अ सैलरीड पर्सन हीस देम प्रोटेक्शन एज वेल एज कम्प्लीट दैर फाइनेंशियल नीड्स वंस दे बिकम मेजर बाय एज मिस्टर जगन क्या है जॉब करते हैं सैलरीड पर्सन है अब क्या है उन्हें पॉलिसी लेनी है उनके दो बच्चों के लिए जहाँ पे बच्चों को प्रोटेक्शन भी मिले एंड दूसरा जब वो बड़े हो जाए तभी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए तब यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा है सजेस्ट हिम अ पॉलिसी विच कैन सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट्स ऑफ हिज चिल्ड्रन कौन सी पॉलिसी वो ले सकते बहुत टाइप्स की पॉलिसीज हमने देखी थी अंडर लाइफ इंश्योरेंस तब यहाँ पे कौन सी पॉलिसी ये पर्सन ले सकते हैं तो चाइल्ड इंश्योरेंस नाउ नेक्स्ट इज हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ द पॉलिसी बेनिफिशियरी मतलब किसको फायदा मिलेगा इस पॉलिसी का तो बच्चों को मिलेगा चलिए नेक्स्ट इन इन अब केस विच प्रिंसिपल इज इन्वॉल्व बहुत सारे प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे इंश्योरेंस के अब यहाँ पे कौन सा एप्लीकेबल होगा तो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट जहाँ पे इंश्योर को उस जिस चीज के लिए इंश्योरेंस लिया गया है उसके अंदर उसको इंटरेस्ट है मतलब प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट यहां पे आएगा चलिए तो ये हो गया हमारा सेकंड केस स्टडी अब आगे बढ़ते हैं थर्ड की तरफ मिस्टर शरण इज सक्सेसफुल मैन्युफैक्चरर ही इज़ हैविंग प्रोडक्शन यूनिट एट वेरियस लोकेशन अलग अलग जगहों पर इनका प्रोडक्शन यूनिट है नाउ ही इज हैविंग मल्टीपल प्रोडक्शन यूनिट्स ही हैज़ लार्ज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स बहुत सारे बहुत सारे प्रोडक्शन यूनिट है तो ऑफकोर्स रॉ मटीरियल एंड फिनिश गुड्स का स्टॉक भी अलग अलग जगहों पर पड़ा ही होगा बहुत सारा नाउ ही इज़ वरीड अबाउट सेफ गुड्स फ्राम एनी अनवॉन्टेड फाइनेंशियल लॉस he also requires to transfer raw material and finished goods from one unit to another but does not have any facility for that he also requires funds for expansion dekhiye ab kya hai inko ek to cheez kya chahiye ki jo unka goods hai wo safe rahe theek hai uska nuksan na ho दूसरा उनको चाहिए he requires to transfer raw material and finished goods from one unit to another एक जगह से दूसरी जगह पे उनको गुड्स भी लेके जाना है ट्रांसफ़र भी करना है एंड थर्ड उनको फंड की भी रिक्वायर require है रिक्वायरमेंट है और उनको बिजनेस एक्सपैंड करना है तो पैसे भी चाहिए चलिए तब यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है नेम द सर्विस विच विल हेल्प हिम टू सेफ कार्ड द गुड्स फ्रॉम एनी डैमेज अब कौन सी सर्विस वो यूज़ करेंगे जब वो उसके गुड्स को बचा सकते हैं तो इंश्योरेंस सर्विस जो हमने बहुत सारी सर्विसेज पढ़ी थी उसमें इंश्योरेंस सर्विस यूज कर सकते हैं गुड्स को सेफ करने के लिए सेकेंड इज विच सर्विस विल हेल्प हिम टू रिमूव डिफिकल्टी ऑफ प्लेस प्लेस की जो डिफिकल्टी है वो कौन सी सर्विस हेल्प करती है उसमें तो ऑफकोर्स वेयर हाउसिंग सर्विस उसमें हेल्प करती है ओके okay. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे पूछा लोगों ने नेम द सर्विस विच एनी डैमेज तो यहाँ पे आने वाला है इंश्योरेंस सर्विस इंश्योरेंस हेल्प करने वाला है गुड्स को सेफ रखने के लिए नेक्स्ट इज विच सर्विस विल हेल्प हिम टू रिमूव डिफिकल्टी ऑफ प्लेस यहाँ पे उन्होंने बोला है ही ऑल्सो रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर रॉ मटीरियल एंड फिनिश गुड्स फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर तो ये जो डिफ़िकल्टी है उसे दूर करने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यूज़ कर हेल्प हो करेगी उन्हें नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉम विच सर्विस सेक्टर विल ही गेट फाइनेंशियल सपोर्ट पैसे चाहिए फंड चाहिए लोन चाहिए तो वो कहाँ से मिलने वाला है बैंकिंग सर्विस से तो ये हो गया हमारा थर्ड केस स्टडी अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ मिस्टर अमित इज अ बिजनेस मैन ही हैज़ हिज़ ओन फैक्ट्रीज इन पुणे एंड नाशिक पुणे एंड नाशिक दो जगहों पे उनकी फैक्ट्री है ही लिव्स इन पुणे विथ हिज़ वाइफ एंड टू डॉटर्स एज एज फाइव ईयर्स एंड एट ईयर्स पाँच साल और आठ साल की बेटियां हैं उनकी डॉटर्स है उनके साथ वो रहते हैं पुणे में और उनकी फैक्ट्रीज है पुणे एंड नाशिक में चलिए यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कैन मिस्टर अमित टेक अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज वाइफ एंड टू चिल्ड्रन ले सकते हैं क्या यस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तो ले ही सकते हैं ना उसमें भी बहुत सारी आ, ले सकते हैं वो लोग बहुत सारे टाइप्स जो हमने पढ़े थे टर्म इंश्योरेंस रहता है या फिर आ, हमने देखा था कि आ, एन्यूटी पॉलिसी भी ले सकते हैं किड्स के लिए भी पॉलिसी ले सकते हो चिल्ड्रन इंश्योरेंस भी ले सकते हैं ठीक है ऐसे बहुत सारे चाइल्ड इंश्योरेंस ले सकते हैं ऐसे बहुत सारे पॉलिसीज़ वो ले सकते हैं सेकेंड है कैन मिस्टर अमित टेक अ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर इस फैक्ट्रीज अब मरीन इंश्योरेंस कब आता है जब गुड्स इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट होता है तब आता है बाकी क्या आएगा फायर इंश्योरेंस आता है अब यहाँ पे हमें कुछ मेंशन नहीं किया है कि उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है या नहीं ठीक है तो हम कंसीडर करेंगे कि नॉर्मल बिजनेस ही है इसके लिए यहाँ पे इसका आंसर नो no आएगा मरीन इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस शुड मिस्टर अमित टेक फॉर प्रोटेक्टिंग हिज फैक्ट्रीज फ्रॉम लॉस ड्यू टू फायर अब फायर इंश्योरेंस में ये कौन कौन से टाइप का इंश्योरेंस uh, ले सकते हैं तो यहाँ पे आने वाला है देखिए अब यहाँ पे उनकी दो फैक्ट्रीज है पुणे एंड नासिक तो दोनों ही जगहों पे स्टॉक पड़ा होगा उनका तो यहाँ पे फायर इंश्योरेंस तो लेना ही है लेकिन फायर में भी हमने बहुत सारे टाइप्स देखे थे तो उसके अंदर कौन सा आएगा तो यहाँ पे आने वाला है फ्लोटिंग फ्लोटिंग फायर इंश्योरेंस क्यों फ्लोटिंग फायर इंश्योरेंस क्योंकि दो ब्रांच है तो दोनों ही जगहों पे स्टॉक होगा एंड वो स्टॉक की क्वांटिटी भी चेंज होती रहेगी इसके लिए हम फ्लोटिंग पॉलिसी यहाँ पे ले सकते हैं तो चलिए यहाँ पे हमने फोर्थ केस केस स्टडी भी खत्म कर लिया है आगे बढ़ते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन में अब यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन हमें दिए हैं ड्यूटी पेड वेयर हाउस एंड बॉन्डेड वेयर हाउस सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक रोड ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट लाइफ इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट लाइफ इंश्योरेंस एंड फायर रोड ट्रांसपोर्ट एंड रेल रेल एयर करंट अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ये सारे ही डिस्टिंग्विश हमने आ, इसके मीनिंग डिटेल में पढ़े तो हम डिस्टिंग्विश अच्छे से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स तो हमें यहाँ पे एटलीस्ट पाँच से छः पॉइंट में डिस्टिंग्विश लिखने हैं बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन करके पॉइंट वाइज सारी चीज़ें लिखनी है चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आंसर इन ब्रीफ ब्रीफली आंसर करना है उसमें है स्टेट फोर टाइप्स ऑफ डिपॉजिट कौन कौन से डिपॉजिट्स रहते हैं हमने पढ़ा था टाइम डिपॉजिट रहता है डिमांड डिपॉजिट वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है स्टेट फोर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फोर मोड्स जिसमें हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट रोड ट्रांसपोर्ट रेल ट्रांसपोर्ट वाटर एयर ट्रांसपोर्ट वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेट फोर टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उसमें आया था टर्म इंश्योरेंस था एंडोमेंट था एन्योटी प्लान था चाइल्ड इंश्योरेंस था ठीक है वो चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है उसके बाद है स्टेट एनी फोर फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज फीचर्स भी हमने पढ़े थे सर्विसेज़ कैसी होती है पेरिशेबल इन नेचर होती है इनटेंजिबल होती है ठीक है ये सारी चीज़ों को सारे फ़ीचर्स को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है बिजनेस सर्विसेज के उसके बाद है स्टेट मनी रेमिटेंस सर्विस ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट ये हमने देखा था अंडर कम्युनिकेशन पोस्टल सर्विसेज के अंदर हमने मनी रेमिटेंस सर्विस में पढ़ा था ओके okay. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ये सारे ही जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उसे हमने जस्टिफाई करना है अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट दिया गया है एयर ट्रांसपोर्ट इज फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यस ये हमें पता है बहुत फास्टेस्ट होता है अब क्यों फास्टेस्ट होता है तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम एयर ट्रांसपोर्ट का मीनिंग लिखेंगे कि एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है जो एबो सरफेस ट्रांसपोर्ट डेवलप किया जाता है उसे एयर ट्रांसपोर्ट कहेंगे हम अब यहाँ पे हम कैसे गुड्स लेके जा सकते बहुत ज़्यादा बल्कि बहुत ज़्यादा हैवी गुड्स यहाँ पे नहीं लेके जा सकते और ये सबसे फास्ट है बाकी सारी जो ट्रांसपोर्ट रहते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट बोलेंगे हम उसमें टाइम लगता है रोड ट्रांसपोर्ट में तो बहुत लगता है रेल ट्रांसपोर्ट में तो यहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट में बहुत ही फास्ट है ये ठीक है एंड केस ऑफ इमरजेंसी इमरजेंसी के टाइम पे या ऐसे हीली एरियाज है जहाँ पे हम बाय वे ऑफ रोड नहीं पहुँच सकते तो उस टाइम पे एयर ट्रांसपोर्ट को यूज़ किया जाता है तो ये सारे ही पॉइंट्स आपको लिखने हैं वहाँ पे एंड एक्सप्लेन करना है अच्छे से नाउ नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ़ बिजनेस यहाँ पे हम सबसे पहले कम्युनिकेशन का मीनिंग बताएंगे एक पॉइंट में कि कम्युनिकेशन क्या होता है कम्युनिकेशन इज़ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ बिटवीन टू और मोर पर्सनस और टू और मोर एंटिटीज कम्युनिकेशन का हम मीनिंग लिखेंगे अब यहाँ पे ग्रोथ ऑफ बिजनेस के रिलेटेड उन्होंने बात की है तो बिज़नेस को बिजनेस के लिए हम लिखेंगे कि बिज़नेस को उसमें मैनेजर को बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ता है जैसे कि सप्लायर है कस्टमर है इन्वेस्टर्स है एम्प्लॉज है इसके लिए क्या होता है बिज़नेस के ग्रोथ के लिए कम्युनिकेशन सर्विस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और कैसे कैसे तरीक़ों से कम्युनिकेट किया जाता है वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे उसमें कि मॉडर्न मीन्स भी आजकल तो अवेलेबल है कुरियर सर्विस है इंटरनेट यूज़ किया जाता है ई के थ्रू भी कम्युनिकेशंस होते हैं बिजनेसिस के काफ़ी सारे लोगों से नाउ थर्ड वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ सब रोगेशन इज़ एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी देखिए कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हम पहले तो ये बताएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है हम किसी को इंश्योरेंस कंपनी है वो पॉलिसी होल्डर को गारंटी देती है कि वो उसे पहले जैसे फाइनेंशियल पोजिशन पर ला के रख दे वो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ना प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन इज एप्लीकेबल जितने आ, जितने ही सिचुएशन को ये एप्लीकेबल है प्रिंसिपल सेम वे प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेसन भी एप्लीकेबल होगा सेकेंड पॉइंट में बताना है वॉट इज़ प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन होता है कि जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ने एक बार कॉम्पेंसेशन दे दिया क्लेम का उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी बच जाती है उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है इंश्योरेंस कंपनी को अब यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है इंश्योर को पहले जैसे फाइनेंशियल पोजीशन पे वो ला के दे रही है इसके लिए अब जो भी प्रॉपर्टी बच गई है उसकी ओनरशिप फिर इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र हो जाती है तो ये हमें बताना है थर्ड पॉइंट में ना फोर्थ वन इज़ वेयर हाउसिंग इज इम्पॉर्टेंट येस वेयर हाउसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम सबसे पहले यहाँ पे वेयर हाउसिंग का मीनिंग लिखेंगे क्या होता है वेयर हाउसिंग सर्विस दूसरा हम लिखेंगे वेयरहाउसिंग क्या करता है टाइम यूटिलिटी प्रोवाइड करता है एंड प्लेस यूटिलिटी भी प्रोवाइड करता है वो भी हमें लिख एक्सप्लेन करना है उसके बाद हम लिखेंगे कि बिजनेसिस क्या करते हैं फ्यूचर के लिए आज के डेट में गुड्स को प्रोडक्शन करके रख देते हैं दूसरा रॉ मटेरियल भी हम ला स्टोर कर देते हैं फ्यूचर में जो प्रोडक्शन करना है उसके लिए तो क्या करता है वेयर हाउस हमें हेल्प करता है उन चीज़ों को गुड्स को स्टोर करके रखने के लिए फ्यूचर यूज़ के लिए ये सारे ही पॉइंट्स हम वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे नाउ नेक्स्ट इज कैश कैन बी विड्रॉन फ्रॉम एटीएम एट एनी टाइम येस ए मशीन का यहाँ पे हमें सबसे पहले मीनिंग बताना है वहाँ पे कौन कौन से फंक्शंस हम कर सकते हैं जैसे कैश विदड्रॉ करना पिन नंबर चेंज करना हो मिनी स्टेटमेंट देखना हो वो सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे उसके बाद हमें बताना है कि ए यूज़ करके हम एनी टाइम कभी भी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं हमें बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है इसीलिए हमें बैंक के जो टाइमिंग्स है उसे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है हम किसी भी एटीएम सेंटर में जा के उस मशीन को ऑपरेट करके कैश विड्रॉ कर सकते हैं तो ये चीज़ें हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे पॉइंट वाइज उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन अटैम्प फॉलोइंग अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट है एक्सप्लेन मनी रेमिटेंस सर्विस फॉर पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट मनी रेमिटेंस सर्विस हमें एक्सप्लेन करना है उसके तीन टाइप्स बताए थे एक्सप्लेन मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज के टाइप्स हमने की थी लेक्चर में डिटेल में वो एक्सप्लेन करना है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज वेयर हाउस जो पब्लिक वेयर हाउस प्राइवेट वेयरहाउस गवर्नमेंट सारे हमने पढ़े थे वो यहाँ एक्सप्लेन करेंगे हम एक्सप्लेन यूटिलिटी फंक्शन ऑफ बैंक यूटिलिटी फंक्शन जो हमने पढ़े थे वो बताएंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट है एक्सप्लेन मोड्स ऑफ ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन में जो हमने देखा था पोस्टल सर्विस वगैरह यूज़ होता था वो हम लिखेंगे नेक्स्ट एक्सप्लेन डिसएडवांटेजेस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट के डिसएडवांटेज एक तो ये बहुत कॉस्टली है उसके लिए रनवेज एयरपोर्ट्स वगैरह बनाना पड़ता है कॉस्टली हो जाता है ज़्यादा बल्कि गुड्स हम नहीं लेके जा सकते वेदर कंडीशन ख़राब हो तो इसको अफेक्ट करती है डोर टू डोर सर्विस ये नहीं प्रोवाइड करता ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है डिस्क्राइब द रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट रोल ऑफ़ ट्रांसपोर्ट हमें बताना है बिज़नेस के लिए क्यों ज़रूरी है ट्रांसपोर्ट नेक्स्ट इज़ वॉट आर द फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस वेयर हाउस के फंक्शंस भी हमने पढ़े थे डिटेल में लेक्चर में तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे उसके बाद आता है आंसर द फॉलोइंग ये सबसे लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे सबसे फर्स्ट है व्हाट इज इंश्योरेंस एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस का मीनिंग लिखना है और सारे ही प्रिंसिपल्स को डिटेल में बताना है एग्जाम्पल भी लिख सको तो बहुत अच्छी बात है डिटेल में एक्सप्लेन करना है उसके बाद आता है डिफाइन बैंक एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक बैंक का हम डेफिनेशन मीनिंग लिखेंगे एंड बहुत सारे जो उसके टाइप्स बताए गए हैं वो सारे ही यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं व्हाट इज वेयर हाउस एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट फंक्शन वेयरहाउस का मीनिंग लिख के सारे फंक्शन डिटेल में बताएंगे व्हाट इज़ सर्विस एक्सप्लेन इन डिटेल डिफरेंट बिजनेस सर्विसेज अब यहाँ पे देखिए सर्विस को बता मीनिंग लिख के हमें क्या करना है डिटेल में सारी सर्विस लिखनी है मतलब जो हमने ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इंश्योरेंस जो सर्विसेज पढ़ी उसे हमें एक्सप्लेन करना है उसके बाद आता है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन एक्सप्लेन इन डिटेल वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का मीनिंग डेफिनेशन लिख के हमने जो पढ़ा था पोस्टल सर्विस के बारे में मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जहाँ पे था कुरियर सर्विस ई इंटरनेट ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे उसके बाद है व्हाट इज़ रोड ट्रांसपोर्ट एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बहुत इजी है रोड ट्रांसपोर्ट का मीनिंग लिखना है एंड उसके बाद एडवांटेजेस भी हमने पढ़े थे बहुत सारे थे डोर टू डोर सर्विस रहता है उसमें ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता वेदर कंडीशन थोड़ा कम अफेक्ट करती है एंड डिसएडवांटेजेस भी लिखने हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम यहाँ पे गुड्स नहीं लेके जा सकते ज़्यादा क्वांटिटी में या बल्कि गुड्स नहीं लेके जा सकते तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेशन भी हमारा ख़त्म हो गया है चैप्टर फोर बिजनेस सर्विसेज का अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फाइव यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं स्टूडेंट्स uh, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच